हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीएच क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का आपका 18th चैप्टर, जिसका नाम है कुटज। ठीक है, तो इससे पहले के जो 17 चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पर, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। और मैं यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ। तो हम अगर चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे, हमें कोई भी एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो यहाँ पर मेरा यही मोटिव है कि आप कॉन्सेप्ट समझें और जो चैप्टर में बात कही गई है वो सारी आप अच्छे से समझें। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो को। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल भी होती हैं और आप सभी उससे अच्छे नंबर से पास भी कर जाते हो। सो इस चैप्टर को पढ़ते हैं, उससे पहले इसका एक जो इंट्रो है वो भी हम ध्यान लगाकर पढ़ेंगे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको जरा सा कष्ट हुआ और आप घबरा गए? अपने जीवन को, अपनी इस अमूल्य मानव देह को कोसने लगे और कल्पना करने लगे उस सुखी जिंदगी की, जहाँ ना रोज रोज का झंझट हो, न दैनिक जीवन के कार्य करने पड़े, न किसी गलत कार्य करने पर बड़ों से डांट पड़े, न मार का डर हो, ना ही किसी और प्रकार की चिंता, जहाँ बस सुख ही सुख हो। है ना, कई बार हमारे मन में भी ये बात आती है कि हमें थोड़ा सा दर्द हुआ, थोड़ा सा कुछ कष्ट हुआ तो हम सोचते हैं कि काश हमारा ऐसा जीवन होता जो सुख से भरा हुआ होता, जिसमें हमें ना तो कोई काम करना पड़ता, ना कोई हमें डांट लगाता, ना किसी प्रकार की हमें कोई चिंता होती। आता है आपके भी दिमाग में ऐसी बात? ऐसी कल्पना करते करते कभी आपको पक्षियों से भी ईर्ष्या हुई होगी कि वाह क्या मजे हैं, जहां चाहे जब चाहे झट से उड़कर पहुंच जाते हैं। ऐसा हुआ है ना कभी कभी? हमें कई बार ऐसा लगता है कि जो पक्षी हैं उनका जीवन तो बहुत आसान है, उनका इधर उधर जाना ही तो है, जहाँ चाहे वहां जा सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि उनके जीवन में उनको भी संघर्ष करना पड़ता है ना। अब जरा सोचिए कि इसका कारण क्या है। इसका कारण है सही प्रकार से जीने की कला ना आना। जिस व्यक्ति को सही प्रकार से जीना नहीं आएगा वह यही चीजें सोचेगा। जिस दिन आप यह कला सीख जाएंगे उस दिन आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, आप हिम्मत नहीं हारेंगे, परेशान नहीं होंगे। तो आइए यह कला सीखें, किसी स्कूल से नहीं, किसी बड़े ज्ञानी विद्वान महापुरुष से भी नहीं, महज एक छोटे से ठिकने से पेड़ कुटज से। तो यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है कुटज, वो एक छोटा सा ठिकना सा पेड़ है, उसका नाम यहाँ पर कुटज है। ठीक है, तो यहाँ पर कुटज जो है वो एक पेड़ है। आगे बढ़ लेते हैं। नीचे आपको कुछ उद्देश्य यहाँ पर दिखाई देंगे। इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको ये सारी चीजें जो है समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको एक क्रियाकलाप दिखाई देगा, इसको आप स्किप कर सकते हैं, और नीचे आपको मूल पाठ दिखाई देता है। आइए कुटज नामक निबंध को एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं, साथ ही सहायता के लिए दिए गए कठिन शब्दों के अर्थ भी समझते जाएंगे। ठीक है, कुटज कहते हैं पर्वत शोभा निकेतन होते हैं, है ना। फिर हिमालय का तो कहना ही क्या, पूर्व और अपर समुद्री समुद्र महोदधी और रत्नाकर दोनों को दोनों भुजाओं से थामता हुआ हिमालय पृथ्वी का मानदंड कहा जाए तो गलत क्या है। ऐसा ही है ना कि जो हिमालय है वो हमारी पर्वत शोभा निकेतन है, उसको देखते ही ऐसा लगता है जैसे दोनों भुजाओं से वो पृथ्वी का मानदंड थामे हुए है। कालिदास ने ऐसा ही कहा था, इसी के पाद देश में यह जो श्रृंखला दूर तक लौटी हुई है लोग इसे शिवालिक श्रृंखला कहते हैं। जो एक श्रृंखला है, मतलब जो हिमालय है, हिमालय की जो एक श्रृंखला है उसको क्या कहा जाता है, शिवालिक श्रृंखला। ठीक है, शिवालिक श्रृंखला जो कि पृथ्वी का मानदंड अपने भुजाओं में थामे हुए है, मतलब जो पृथ्वी है नीचे उसको ये अपने भुजाओं में थामे हुए संभाले हुए है। शिवालिक का क्या अर्थ है? शिवालिक या शिव के जटाजूट का निचला हिस्सा तो नहीं है, लगता तो ऐसा ही है। सपाद लक्ष्य या 1.25 लाख की माल गुजारी वाला इलाका तो वह लगता नहीं। शिव की लटियाई जटा ही इतनी सूखी नीरस और कठोर हो सकती है। वैसे अलकनंदा का स्रोत यहाँ से काफी दूरी पर है, लेकिन शिव का अलक तो दूर दूर तक छितराया ही रहता होगा। संपूर्ण हिमालय को देखकर ही किसी के मन में समाधि
महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। उसी समाधिस्थ महादेव के अलग जाल के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व या गिरी श्रृंखला कर रही होगी। कहीं कहीं अज्ञात नाम गोत्र झाड़ झंखाड़ और बेहया से पेड़ खड़े दिख अवश्य जाते हैं, पर कोई हरियाली नहीं। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो शिवालिक है, शिवालिक से आप समझ सकते हैं जो शिव भगवान है उनकी जटा, जटा भी एकदम नीरस और रूखी सूखी है उनकी। और इसी तरह से यहाँ पर शिवालिक में भी कोई हरियाली नहीं है, पेड़ दिखते हैं लेकिन वो हरे पेड़ नहीं है, वो दूब तक सूख गए हुए पेड़ है। काली काली चट्टाने यहाँ पर दिखती हैं, बीच बीच में सूक्ष्मता की अंतर निरुद्ध सत्ता का इजहार करने वाली रक्ताप रहती है। रस कहाँ है ये जो ठिंगने से लेकिन शानदार दरखत गर्मी के भयंकर मार खा खा कर और भूख प्यास की निरंतर चोट सह सह कर भी जो जी रहे हैं, इन्हें क्या कहूँ। सिर्फ जी ही नहीं रहे हैं, हंस भी रहे हैं। बेहया है क्या या मस्त मोला है? कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं उनकी जड़ें काफी गहरे गहरे बैठी रहती हैं। ये भी पाषाण की जाति पाड़ कर न जाने किस अतल घर से अपना भोग्य खींच लाते हैं। ये कह रहे हैं जो कवि है वो कह रहा है जो इस कि यहाँ पर जो पेड़ हैं वो बिल्कुल सूख गए हैं, काली काली चट्टाने हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर सूखा हुआ सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर अपना जीवन जी रहे हैं और जी ही नहीं रहे हैं। हंसते हुए दिखाई देते हैं, मस्त मौला से दिखाई देते हैं, जो बेहया से दिखाई देते हैं। उसके आगे कहते हैं, शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर मुस्कुराते हुए ये वृक्ष द्वंद्वातीत हैं, अलमस्त हैं। मैं किसी का नाम नहीं जानता, कुल नहीं जानता, शील नहीं जानता, पर लगता है ये मुझे जैसे मुझे अनादि काल से जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये मैं इनको नहीं जानता लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कालों से मुझे जानते हैं। इन्हीं में से एक छोटा सा बहुत ठिंगना पेड़ है, पत्ते चौड़े भी हैं, बड़े भी हैं, फूलों से तो ऐसा लदा है कि कुछ पूछिए नहीं, अजीब सी अदा है, मुस्कुराता झांक पड़ता है, लगता है पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानते। पहचानता तो हूँ, अवश्य पहचानता हूँ, लगता है बहुत बार देख चुका हूँ, पहचानता हूँ जाड़ के साथी, तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। नाम भूल रहा हूँ, प्राय भूल जाता हूँ, रूप देखकर प्राय पहचान जाता हूँ, नाम नहीं याद आता, पर नाम ऐसा है कि जब तक रूप से पहले ही हाजिर ना हो जाए तब तक रूप की पहचान अधूरी रह जाती है। भारतीय पंडितों का सैकड़ों बार का कचारा निचोड़ा प्रश्न सामने आ गया, रूप मुख्य है या नाम? नाम बड़ा है, रूप पद पहले है या पदार्थ? पदार्थ सामने है, पद नहीं सूझ रहा है। तो जो यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर जो भी कवि हैं या जिसने भी ये पाठ लिखा है, निबंध लिखा है, वो कहते हैं कि मैं इन पेड़ों को देखकर, ये ठिंगने से पेड़ हैं, इनको देखकर, ये बिल्कुल पत्ते के चौड़े चौड़े हैं, फूलों से लदे हुए हैं, मैं इनके इनको पहचानता तो हूँ लेकिन मैं इनका नाम भूल रहा हूँ। तो यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि नाम बड़ा है या रूप बड़ा है, किसी को देख कर, है ना, किसी को हम उसके नाम से नहीं उसके रूप से भी पहचानते हैं, किसी को हम केवल नाम से पहचानते हैं। तो यहाँ पर वही ये कह रहे हैं कि हमें सामने दिखाई तो दे रहा है कि पेड़ है, कई बार ऐसा होता है ना, पेड़ है पर हमें ये पता नहीं चलता कौन सा पेड़ है या क्या नाम है इसका। मन व्याकुल हो गया, स्मृतियों के पंख फैलाकर सुदूर अतीत के कोने में झांकता रहा, सोचता हूँ इसमें व्याकुल होने की क्या बात है, नाम में क्या रखा है, व्हाट्स देयर इन द नेम। नाम की जरूरत ही तो सो दिए जा सकते हैं, सुष्मिता, गिरिकांता, वन प्रभा, शुभ्र की किरीटनी, मदोदता, विजितातुपा, अलका वंशता, बहुत से नाम है। मतलब कवि कह रहा है कि हमारे पास बहुत से नाम है, नाम तो ऐसे हम कोई भी दे सकते हैं या फिर पोरोष व्यंजक नाम भी दिए जा सकते हैं, अकुतोभ्य, गिरिगौरव, कुटोल्लास, अपराजित, धरती दकेल, पहाड़ फोड़, पाताल भेद, पर मन नहीं मान, हम उसे नाम तो कुछ भी दे सकते हैं इनमें से लेकिन मन नहीं मानता कि इसका असली नाम क्या है। नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि मैं नाम है, नाम इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। अब मान लीजिए आपका नाम है, ठीक है, आप तो कोई भी नाम, कोई अरुण नाम का बच्चा है, अब उस
को हम किसी भी नाम से बुला तो सकते हैं, लेकिन जब तक हम उसे उसके सही नाम से नहीं बुलाएंगे, जिसको समाज की स्वीकृति भी मिली हुई है, तब तक हमारा मन नहीं मानता। ऐसे ही इस पेड़ को देखकर ऑथर कह रहा है कि मेरा मन नहीं मान रहा, इसको मैं क्या नाम से बुलाऊं। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मुहर लगी होती है ना। समाज जिस नाम से हमें जानता है, हम उसी नाम से पहचाने जाते हैं जिस नाम पर हमारी समाज की मुहर लगी होती है। आधुनिक शिक्षित लोग जिसे सोशल सेक्शन कहा करते हैं, मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है। समाज द्वारा स्वीकृत, इतिहास द्वारा प्रमाणित, समष्टि मानव की चित गंगा में स्नात। तो यहाँ पर उसको नाम याद नहीं आ रहा है, इसका नाम क्या है, इस गिरिकूट बिहारी का नाम क्या है। मन दूर दूर तक उड़ रहा है, देश में और काल में। मनोरथा मनोरथा नाम गतिन विद्यते। अचानक याद आया, अरे यह तो कुटज है, संस्कृत साहित्य का बहुत परिचित किंतु कवियों द्वारा अवमानित वह छोटा सा शानदार वृक्ष कुटज है। तो फाइनली उसे उसका नाम याद आ गया कि अरे ये तो बहुत ही ज्यादा, मतलब संस्कृत में ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नाम है कुटज, और कवियों ने इसे थोड़ा सा अपमानित तरीके से यूज किया है। कुटज कहा गया होता तो कदाचित ज्यादा अच्छा होता, पर नाम इसका चाहे कुटज ही हो, विरुद्ध तो निसंदेह कुटज होगा। गिरिकूट पर उत्पन्न होने वाले इस वृक्ष को कुटज कहने में विशेष आनंद मिलता है। ये जो वृक्ष है, ये जो पेड़ है कुटज, ये गिरिकूट पर यानी कि जो आपकी जो पहाड़ होते हैं ना, उन पहाड़ों पर ये ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, बहरहाल यह कुटज कुटज है। मनोहर कुसुम स्तबकों से जबर जबराया, उल्लास लोल चारों स्मित कुटज जी भर आया। कालिदास ने आषाढ़स्य प्रथम दिवसे रामगिरी पर यक्ष को जब मेघ की अभ्यर्थना के लिए नियोजित किया, तो कंबख्त को ताजे कुटज पुष्पों की अंजलि देकर ही संतोष करना पड़ा। चंपक नहीं, बकुल नहीं, नीलोत्पल नहीं, मल्लिका नहीं, अरविंद नहीं, फकत कुटज के फूल। यह और बात है कि आज आषाढ़ का नहीं, जुलाई का पहला दिन है। तो यहाँ पर कवि कहता है, ऑथर कह रहा है कि जब कालिदास ने अपना आषाढ़स्य प्रथम दिवस, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो पुष्पों की अंजलि है, रामगिरी ने जब यक्ष को जब मेघ की अभ्यर्थना करने के लिए नियोजित किया, तो उन्होंने क्या किया, रामगिरी पर यक्ष ने क्या किया, उन्होंने पुष्पों की अंजलि देनी चाहिए, मतलब पुष्पों को उन पर निछा, पुष्प यानी फूल आपके, ठीक है, फूलों को न्यौछावर करना चाहे। अब ये जो नाम है ना, ये सारे पेड़ों के नाम है, मतलब वो कह रहा है इनमें से किसी पेड़ का फूल यूज नहीं किया, केवल और केवल कुटज का फूल यहाँ पर अंजलि देने के लिए यूज किया। मगर फर्क भी कितना है, बार बार विश्वास करने को उतारू हो जाता है कि यक्ष बहाना मात्र है। कालिदास ही कभी सापे नस्तंग मित महिमा, शाप से जिनकी महिमा अंत हो गई होकर रामगिरी पहुंचे थे। अपने ही हाथों इस कुटज पुष्प का अर्घ्य देकर उन्होंने मेघ की अभ्यर्थना की थी। कालिदास जी ने, जो एक महान कवि हैं, उन्होंने इससे इसके फूलों से अर्घ्य देकर मेघ यानी बादलों की अभ्यर्थना की थी। शिवालिक के इस अंत्युच पर्वत श्रृंखला की भांति रामगिरी पर भी उस समय और कोई फूल नहीं मिला होगा, मतलब उस टाइम पे रामगिरी पहाड़ पर शायद कोई उस समय में फूल ना मिला हो। कुटज ने उसके संतप्त चित्त को सहारा दिया था, बड़भागी फूल है यह, धन्य हो कुटज तुम गाढ़े के साथी हो। ठीक है, मतलब ये गाढ़े के साथी, मतलब तुम एक ऐसा फूल हो जिसने काम आने पर किसी का साथ दिया। उत्तर की ओर से उठाकर देखता हूँ, सुदूर तक ऊंची काली पर्वत श्रृंखला दिखाई हुई है और एक आध सफेद बादल के बच्चे उससे लिपट खेल रहे हैं। मैं भी उन पुष्पों का अर्घ्य उन्हें चढ़ा दूं, पर काहे वास्ते, लेकिन बुरा भी क्या है, कुटज के ये सुंदर फूल बहुत बुरे तो नहीं है, जो कालिदास के काम आया हो उसे ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, है ना। ये काफी, मतलब इसके जो फूल होते हैं कुटज के, वो इतने सुंदर भी नहीं होते हैं लेकिन इतने बुरे भी नहीं, तो जो कालिदास के काम आया हमें उसकी इज्जत ज्यादा करनी चाहिए।
मिली कम है पर इज्जत तो नसीब की बात है। रहीम को मैं बड़े आदर के साथ स्मरण करता हूँ। दरिया दिल आदमी थे, पाया सो लुटाया, लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब है। उस रस चूस लेती है, छिलका और गुठली फेंक देती है। सुना है रस चूस लेने के बाद रहीम को भी फेंक दिया गया था। एक बादशाह ने आदर के साथ बुलाया, दूसरे ने फेंक दिया। दुआ ही हुआ ही करता है उससे, रहीम का मूल घट नहीं जाता। उनकी पकड़ आना मस्ती कहीं गई नहीं। अच्छे भले कद्रदान थे, लेकिन बड़े लोगों पर भी कभी कभी ऐसी वितृष्णा सवार होती है कि गलती कर बैठते हैं। मन खराब रहा होगा, लोगों की बेरुखी और बेकद्रदानी से मुरझा गए होंगे। ऐसे ही मनस्थिति में उन्होंने बेचारे कुटच को भी एक चपत लगा दी। झुंझलाए थे, कह दिया। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि एक बार किसी बादशाह ने रहीम को बुलाया। रहीम के दोहे भी आपने सुने होंगे, है ना। तो उस समय पे रहीम जो थे वो काफी ज्यादा पॉपुलर कवि थे। वो जा जाकर बादशाहों के यहाँ अपनी जो कविताएं हैं वो सुनाया करते, अपने दोहे सुनाया करते थे। तो उन्होंने उसको बुलाया इज्जत के साथ, लेकिन बेइज्जती करके उसको निकाल दिया, रहीम को दूसरे के यहाँ उसको फेंक दिया। लेकिन उनकी मस्ती कहीं नहीं गई रहीम की, और उन्होंने कुटज पर अपनी एक चपत लगा दी। और क्या कहा उन्होंने, वे रहीम अब बिरछ के हैं जिनकर छा गंभीर, बागन बिच बिच देखियत सेहुण कुटज करीर। कोया कुटज अदना सा बिरछ हो, छाह की चाह ही क्या क्या बड़ी बात है। फूल क्या कुछ भी नहीं, छाया के लिए ना सही, फूल के लिए तो कुछ सम्मान होना चाहिए। मगर कभी कभी कवियों का भी मूड खराब हो जाया करता है, वे भी गलत बयानी के शिकार हो जाया करते हैं। फिर बागों से गिरे कूट बिहारी कुटज का क्या दुख है। कुटज अर्थात जो कूट से पैदा हुआ है। कूट घड़े को भी कहते हैं, घर को भी कहते हैं। कुट अर्थात घड़े से उत्पन्न होने के कारण प्रतापी अगस्त्य मुनि भी कुटज कहे जाते हैं। कुटज का मतलब होता है जो कूट से पैदा हुआ, मतलब कूट का मतलब होता है घड़ा या फिर घर, जो कि घर से या घड़े से पैदा हुआ हो, इसलिए अगस्त्य मुनि भी कूट कहे जाते हैं। घड़े से तो क्या ही उत्पन्न हुए होंगे, और कोई और बात होगी। संस्कृत में कुठारिका और कुटकारिका दासी को कहते हैं। क्यों कहते हैं, कुटिया या कुटिर शब्द भी कदाचित इसी शब्द से संबद्ध है। जो कुटज है उसका, जैसे कि कुठारिका है, कुटकारिका है, इसको दासी मतलब नौकरानी के लिए भी यूज किया जाता है शब्द को। कुटिया और कुटिर शब्द भी इसी से रिलेटेड है। कुटिया से आप समझ सकते हैं कि छोटी झोपड़ी, है ना, और कुटज जो है वो एक छोटी सी जगह से पैदा होता है। क्या इस शब्द का अर्थ घर ही है? घर में काम काज करने वाली दासी कुटकारिका और कुठारिका कही ही जा सकती है। एक जरा गलत ढंग की दासी कुटनी भी कही जा सकती है। संस्कृत में उसकी गलतियों को थोड़ा अधिक मुखर बनाने के लिए उसे कुटनी कह दिया गया है ना, कि इसके लिए हम कुटनी जो है, हम गलत ढंग की जो दासी होती है उसको कहते हैं, और संस्कृत में इसको कुटनी कहा जाता है। अगस्त्य मुनि भी नारद जी की तरह दासी के पुत्र थे क्या? घड़े से पैदा होने की तो कोई दुख ही नहीं है, ना मुनि कुटज के सिलसिले में, ना फूल कुटज के। फूल गमले में होते हैं अवश्य है, पर कुटज तो जंगल का सैलानी है, उसे घड़े या गमले से क्या लेना देना। शब्द विचारोत्तेजक अवश्य है कहाँ से आया, मुझे तो इसी में संदेह है कि यह आर्य भाषाओं का शब्द है भी या नहीं। एक भाषा शास्त्री किसी संस्कृत शब्द के को एक से अधिक रूप में प्रचलित पाते थे तो तुरंत उसकी कुलीनता पर शक कर बैठते थे। संस्कृत में कुटज रूप में मिलता है और कुटच भी, मिलने को तो कुटज भी मिलता है। तो यह शब्द किस जाति का है? आर्य जाति का तो नहीं जान पड़ता। सिल्वा लेवी यह कह गए कि संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्षों और खेती बागवानी के अधिकांश शब्द आग्नेय भाषा परिवार के हैं। यह भी वही का तो नहीं है। एक जमाना था जब ऑस्ट्रेलिया और एशिया के महाद्वीप मिले हुए थे, फिर कोई भयंकर प्राकृतिक विस्फोट हुआ और ये दोनों अलग हो गए। मतलब ये कह रहे हैं कि ये पता नहीं कौन सी जाति का शब्द है, कौन सी भाषा का शब्द है, और ये 19वीं शताब्दी के भाषा विज्ञानी पंडितों को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के सुदूर जंगलों में बसी जातियों की भाषा एशिया में बसी कुछ जातियों की भाषा से संबद्ध है। भारत की अनेक जातियां वह भाषा बोलती हैं जिनमें संथाल, मुंडा आदि भी शामिल हैं। शुरू शुरू से इस भाषा का नाम ऑस्ट्रो एशियाटिक दिया गया था। दक्षिण पूर्वी या अग्निकोण्ड की भाषा होने के कारण इसे आग्नेय परिवार भी कहा जाने लगा है। अब हम लोग भारतीय जनता के वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर पुराने साहित्य का स्मरण करके स्कूल परिवार की भाषा कहने लगे हैं। पंडितों ने बताया कि संस्कृत भाषा के अनेक शब्द जो भारतीय संस्कृति के
अविच्छेद्य अंग बन गए हैं इसी श्रेणी की भाषा के हैं। मतलब ये कह रहे हैं, अगर भाषा का जिक्र किया गया है कि अलग अलग जो भाषाएं हैं वो एक दूसरे से संबंधित होती हैं। कमल कुडमल, कम्बू कम्बल, तांबूल आदि शब्द ऐसे ही बताए जाते हैं। पेड़ पौधों, खेती के उपकरणों और औजारों के नाम भी ऐसे ही हैं। कुटच भी तो हो तो क्या आश्चर्य, संस्कृत भाषा ने शब्दों के संस्कृत में कभी छूत न मानी। न जाने किस किस नस्ल के कितने शब्द उसमें आकर अपने बन गए। पंडित लोग उसकी छानबीन करके हैरान होते हैं। संस्कृत सर्वग्रासी भाषा है। यह जो मेरे सामने कुटज का लहराता पौधा खड़ा है, वह नाम रूप में दोनों में अपनी अपराज्य जीवनी शक्ति की घोषणा कर रहा है, इसलिए यह इतना आकर्षक है। नाम है कि हजारों वर्षों से जीता चला रहा है। कितने नाम आए और गए, दुनिया उनको भूल गई, वे दुनिया को भूल गए, मगर कुटज है कि संस्कृत के निरंतर स्वीयमान शब्द राशि में जो जम के बैठा सो बैठी ही है। और रूप की तो बात ही क्या है, बलिहारी है इस मादक शोभा की ओर। चारों ओर कुपित यमराज के दारुण निश्वास के समान धधकती लू में यह हरा भी है और भरा भी है। दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर पाषाण की कारा में रुद्ध अज्ञात जल स्रोत से बरबस रस खींच कर सरस बना हुआ है। और मूर्ख के मस्तिष्क से भी अधिक सुने गिरी कांतार में भी ऐसा मस्त बना है कि ईर्ष्या होती है। कितनी कठिन जीवन शक्ति है, प्राण ही प्राण को पुलकित करता है। जीवन शक्ति ही जीवन शक्ति को प्रेरणा देती है। दूर पर्वत राज हिमालय की हिमाच्छादित चोटियां हैं, वहीं कहीं भगवान महादेव समाधि लगाकर बैठे होंगे। सपाट पथरीली जमीन का मैदान है, कहीं कहीं पर्वत नंदिनी सरिताएं आगे बढ़ने की रास्ता खोज रही होंगी। बीच में है चट्टानों की ऊबड़ खाबड़ जटा भूमि। मतलब यहाँ पर सारी चीजें बताई गई है कि ये जो कुटज है वो कितनी मुश्किलें सहन करके भी आज यही उसी जगह पर खड़ा हुआ है। यही आसार मार कर बैठे हैं मेरे चिर परिचित दोस्त कुटज। एक बार अपने जबरीले मूर्धा को हिलाकर समाधि निष्ठ महादेव को पुष्प तबक का उपहार चढ़ा देते हैं, और एक बार नीचे की ओर अपनी पाताल भीति जड़ों को दबाकर गिर नंदनी सरिताओं को संकेत से बता देते हैं कि रस का स्रोत कहाँ है। जीना चाहते हो, कठोर पाषाण को भेद कर पाताल की छाती चीर कर अपना भोग्य संग्रह करो। वायुमंडल को चूस कर झंझा तूफान को रगड़ कर अपना प्राप्य वसूल लो। आकाश को चूमने अवकाश की लहरी से में झूम कर उल्लास खींच लो। कुटज का यही उपदेश है। विधवा पाषाण पिठरम छितवा प्राभन जनीम व्यथा पीतवा पाताल पानियम कुटज चुंबते नभः। मतलब कहना चाहते हैं यहाँ पर मनुष्यों को समझा रहे हैं इस चैप्टर से कि कुटज जिस तरह से अपनी परिस्थितियों से लड़कर और सभी चीजों से जूझ कर आगे बढ़ते हुए अपने आप को जीवन में ढाले हुए हैं, उस तरीके से हमें भी अपने जीवन में जितनी मुश्किलें आती हैं उनसे लड़ना चाहिए और अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। तुरंत जीवन शक्ति है, कठिन उपदेश है, जीना भी एक कला है, लेकिन कला ही नहीं तपस्या है। जियो तो प्राण ढाल दो जिंदगी में, मन ढाल दो जीवन रस के उपकरणों में, ठीक है लेकिन क्यों? क्या जीने के लिए जीना ही बड़ी बात है? सारा संसार अपने मतलब के लिए ही तो जी रहा है। याज्ञवल्क्य के बहुत बड़े ब्रह्मवादी ऋषि थे, उन्होंने अपनी पत्नी को विचित्र भाव से समझाने की कोशिश की कि सब कुछ स्वार्थ के लिए है, पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, सब अपने मतलब के लिए प्रिय होती है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, यानी कि सभी लोग अपना अपना देखते हैं, सिर्फ अपने मतलब के लिए दूसरों को प्यार करते हैं। यहाँ पर ये बात भी बताई गई है। विचित्र नहीं है वह तर्क, संसार में जहाँ कहीं प्रेम है सब मतलब के लिए। सुना है पश्चिम के होब्स और हेलवेशियस जैसे विचारकों ने भी ऐसी बात कही है। सुन के हैरानी होती है, दुनिया में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, परार्थ नहीं है, परमार्थ नहीं है, केवल प्रचंड स्वार्थ। भीतर की जिजीविषा जीते रहने की प्रचंड इच्छा ही अगर बड़ी बात हो तो फिर यह सारी बड़ी बड़ी गोलियां जिनके बल पर दल बनाए जाते हैं, शत्रु मर्दन का अभिनय किया जाता है, देशोद्धार का नारा लगाया जाता है, साहित्य और कला की महिमा गाई जाती है, झूठ है। इसके द्वारा कोई ना कोई अपना बड़ा स्वार्थ सिद्ध करता है, लेकिन अंतर से कोई कह रहा है ऐसा सोचना गलत ढंग से सोचना है। स्वार्थ से भी बड़ी कोई ना कोई बात अवश्य है, जिजीवसा से भी प्रचंड कोई ना कोई शक्ति अवश्य है। क्या है, याकिल्लव्य ने जो बात धक्का मार ढंग से कह दी थी वह अंतिम नहीं थी। वे आत्मनः कम अर्थ को
कुछ और बड़ा कहना चाहते थे। व्यक्ति का आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वह व्यापक है, अपने में सब और सब में आप। इस प्रकार की एक समष्टि बुद्धि जब तक नहीं आती तब तक पूर्ण सुख का आनंद भी नहीं मिलता। अपने आप को दलित द्राक्षा की भांति निचोड़ कर जब तक सर्व के लिए निछावर नहीं कर दिया जाता तब तक स्वार्थ खंड सत्य है। वह मोक्ष को बढ़ावा देता है, तृष्णा को उत्पन्न करता है, मनुष्य को दयनीय कृपण बना देता है। कार्पण्य दोष से जिसका स्वभाव उपहत हो गया है उसकी दृष्टि महान हो जाती है, वह स्पष्ट नहीं देख पाता, वह स्वार्थ भी नहीं समझ पाता, परमार्थ तो दूर की बात है। यहाँ पर बोला गया है कि हमें हमेशा किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, सब के लिए अपने आप को निछावर करना चाहिए, स्वार्थ के लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए। कुटच क्या है, केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता, कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता, नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता फिरता, अपनी उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता फिरता, दूसरों को अपमानित करने के लिए ग्रहों की खुशामद नहीं करता, आत्म उन्नति के लिए हेतु नीलम नहीं धारण करता, अंगूठियों की लड़ी नहीं पहनता, दांत नहीं निपोड़ता, बगले नहीं झांकता, जीता है और शान से जीता है, काहे वास्ते किस उद्देश्य से कोई नहीं जानता, मगर कुछ बड़ी बात है, स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात है। भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में कह रहा है, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर सोल्लास ग्रहण करो, हार मत मानो, सुखम वा यदि वा दुखम प्रिया प्रियम वा यदि वा प्रियम प्राप्तम प्राप्तम उपासितम हृदय हृदयन पराजित है। तो ये यहाँ पर बोला गया है कि जैसे भीष्म पितामह ने कहा है कि चाहे सुख हो या दुख हो, चाहे प्रिय हो या अप्रिय हो, जो मिले उसे शान से उसके साथ जियो, ठीक है। तो यही बात हमें कुटच भी समझाता है, हृदयन पराजित कितना विशाल वह हृदय होगा जो सुख से दुख से अप्रिय से अप्रिय से विचलित न होता होगा। कुटच को देखकर रोमांच हो आता है, वह अकुतोभ्यावती अपराजित स्वभाव अविचल जीवन दृष्टि है, जो समझता है कि वह दूसरों का उपकार कर रहा है वह अभूत है, जो समझता है कि दूसरे का उपकार कर रहे हैं वह बुद्धिहीन है, कौन किसका उपकार करता है, कौन किसका उपकार करता है। मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं, इतिहास विधाता की योजना के अनुसार। किसी को उससे सुख मिल जाए वह बहुत बड़ी बात है, नहीं मिल सका कोई बात नहीं, परंतु उसे अभिमान नहीं होना चाहिए, सुख पहुंचाने का अभिमान नहीं होना चाहिए। सुख पहुंचाने का अभिमान यदि गलत है तो दुख पहुंचाने का अभिमान तो नितांत गलत है। मतलब हमें किसी को ना सुख सुख पहुंचाने का हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, और दुख तो कभी किसी को पहुंचाना ही नहीं चाहिए। मनुष्य अगर जी रहा है तो केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं जी रहे हम वो विधाता जो भगवान है उसकी योजना के अनुसार जी रहे हैं। दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं, सुखी वो है जिसका मन वश में है, दुखी वो है जिसका मन परवश है। परवश होने का अर्थ है खुशामद करना, दांत निपोड़ना, चाटुकारिता, मतलब ये सारी चीजें जब हम करने लग जाते हैं ना तो हम दूसरों के अधीन है। जिसका मन अपने वश में नहीं है वो दूसरे के मन के छंदा वर्तन करता है, अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। कुटच जिन सब मिथ्याचारों से मुक्त है, कुटच ये सारे कुछ काम नहीं करता, वो किसी को फंसाने के लिए जाल नहीं बिछाता, किसी के लिए आडंबर नहीं रचता। तो हमें भी ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। वह वशी है, वह वैरागी है, राजा जनक की तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त है। जनक ही बात वह घोषणा करता है, मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरे के मन में घुसाता नहीं फिरता, इसलिए मैं मन को जीत सका हूँ, मैं मन को वश में कर सका हूँ। ना हम आत्मार्थम इच्छामि मनो नित्यम मनो अंतरे मनो में निर्जितम तस्मात वशे तिष्ठति सर्वदा। कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। मनस्वी मित्र तुम धन्य हो। तो यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये पूरा निबंध लिखा है, और इसमें उन्होंने कुटज के बारे में बताते हुए हम जो मनुष्य हैं उनको एक संदेश दिया है कि हमें कभी भी अपने मन के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, मन को अपने वश में करना चाहिए, मन के वश में हमें नहीं होना चाहिए, हमें किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर हम किसी को सुख पहुंचा रहे हैं, सुख दे रहे हैं, तो उसका अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैंने किया है ये, है ना। तो हमें ये सारी चीजें से बचना चाहिए जो मैंने ऊपर आपको समझाई है, और यहाँ पर ये आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। नीचे आपके बोध प्रश्न हैं जिनको आप आराम से कर सकते हैं, आई होप आप आराम से अब इन प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। नीचे आप अगर चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं पूरे निबंध के रूप में लिखे हुए इस चैप्टर को।
यहाँ पर आपकी वीडियो हो जाती है। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपनी इस वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ था ही नहीं इस चैप्टर में, बस थोड़ी सी लैंग्वेज आपकी डिफिकल्ट बन जाती है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल भी होंगी और आपको हर एक चीज समझने में हेल्प करेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।